वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम मेरे इस ब्लॉग के साथ अटलांटिस द पाम में घूमने जाएंगे। अटलांटिस द पाम इज अ मैजेस्टिक 5-star लग्जरी होटल इन दुबई एंड इज लोकेटेड ऑन द पाम, ए मैनमेड आइलैंड दैट हैज कैप्चर्ड द वर्ल्ड्स इमेजिनेशन विद इट्स मैग्निफिशेंट स्केल एंड इंजेन्यूटी। हम दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट में वहाँ के टाइम सुबह 9:30 बजे दुबई पहुँचे। एज जब हम गए तब होली रमादान का मंथ था, हमें लगा शायद हमें एयरपोर्ट में ब्रेकफास्ट के लिए कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं मिलेगा। एज वी हर्ड कि ड्यूरिंग रमादान अरब कंट्रीज में डे टाइम पर रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, बट दुबई एयरपोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं था। रेस्टोरेंट सब खुले थे और उनके बाहर ब्लैक वेल लगे हुए थे। हमने रेस्टोरेंट में बहुत यमी एंड डिलीशियस खाना खाया, थोड़े से फ्रेश हुए और उसके बाद हम चल पड़े टैक्सी स्टैंड की तरफ। वी गॉट पिंक टैक्सी एंड दैट वॉज ड्रिवन बाय वन लेडी ड्राइवर। दुबई में जाने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट फाइनली वन ग्रेट सरप्राइज फॉर मी, यस अटलांटिस द पाम। अटलांटिस का एम्बियंस तो देखने लायक है। इट हैज़ वन बिग कलरफुल ग्लास फाउंटेन जो कि एंट्रेंस गेट के सामने है। देयर आर मैनी हाईली सेलिब्रेटेड शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स। देयर आर 23 रेस्टोरेंट्स एट अटलांटिस। गॉड्स एंड राम से नोबू ऐसे ही बहुत अच्छे हाईली सेलिब्रेटेड जो शेफ्स हैं उनके अपने अपने रेस्टोरेंट्स अटलांटिस में हैं। फर्स्ट हम अपने रूम में गए। मेरा रूम बहुत स्पेशियस, कोजी एंड ब्यूटिफुल था। मेरे रूम के बैल्कनी से ग्रीन कलर सी क्लियर साफ दिखाई दे रही थी। वी टुक शावर एंड वन थिंग जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि वो यह है, वन डे के लिए वी पे 25,000 रुपीज इंडियन करेंसी एंड इसके साथ हमें 3 places अटलांटिस को एक्सप्लोर करने का फ्री टिकट भी मिला। यस अटलांटिस खुद में ही एक अलग वर्ल्ड है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। देर आर डॉल्फिन बे, सी लायन किंगडम, द लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम एंड एक्वावेंचर वाटर पार्क। इन सभी में हम 3 जगह फ्री टिकट के साथ जा सकते थे। तो हम चल पड़े अपने इलेक्ट्रिक कार और यू कैन से गोल्फ कार्ट में, जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचे सी लायन किंगडम। हम पहले चाहते थे डॉल्फिन बे में जाना, बट वहाँ उस समय टाइम नहीं था। तो सी लायन शो में हम थोड़ी देर रहे। वहाँ हमने सी लायंस को देखा, उनकी एक्टिविटीज़ को देखा और उसके बाद सी लायन के एक्टिविटीज़ को देखने के बाद हम चल पड़े एक्वावेंचर वाटर पार्क। द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक्वावेंचर वाटर पार्क में रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप अफोर्डेबल प्राइस में लंच एंड रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। वी हैड आवर लंच देयर और फिर हमने वहाँ 1.5 hours स्पेंड किया। वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ किए और कुछ एक्टिविटीज़ को सिर्फ देखे। हमने वहाँ करीबन अपना वक्त बहुत अच्छे से बिताया। शाम के समय मेरे रूम से आप देख सकते हैं सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। इवनिंग में मैं बहुत देर तक सिर्फ अपने बैल्कनी से सनसेट को देखती रही और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करती रही। उसके बाद हम चल पड़े मॉल ऑफ एमिरेट्स। अटलांटिस के बाहर ही आपको टैक्सी मिल जाएंगे जो कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको आपके डेस्टिनेशन की ओर ले जाएंगे। मॉल में सिर्फ हम इंडोर स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग यही हम लोगों ने किया। यहाँ हम 3 लोगों का टोटल 12,000 रुपीज इंडियन करेंसी लगा टिकट के लिए। वी गॉट ड्रेसेस, बूट्स, हेलमेट्स एंड ग्लव्स। हमने वहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स किए। वहाँ इग्लू भी थे एंड उनके अंदर पेंगुइन भी थे, बट हम जब उस समय वहाँ गए उस समय पेंगुइन इग्लूज में सो रहे थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। वी एंजॉयड सम गेम्स एंड सबसे अच्छा लगा स्की दुबई। वी एंजॉयड अ लॉट, बट ठंड के कारण हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ। जो भी है, शाम के वक्त हम अपने होटल में वापस आ गए।
नेक्स्ट डे का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था ब्रेकफास्ट, डिफरेंट कुजीन एंड डिफरेंट कंट्रीज के खाने। मैंने कलरफुल नूडल्स फर्स्ट टाइम देखा एंड सबसे इंटरेस्टिंग चॉकलेट फाउंटेन। बच्चों को ये चॉकलेट फाउंटेन बहुत अच्छा लगा। उसके सामने बहुत सारे रंग बिरंगे चॉकलेट्स भी थे। चॉकलेट्स देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद भी चॉकलेट खाना शुरू किया। मैंने वहाँ सूसी भी ट्राई किया जो मुझे ठीक ही लगा। आफ्टर फिनिशिंग आवर ब्रेकफास्ट हम चल पड़े यूनिक मरीन हैबिटेट एट द लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम। देयर आर 65,000 मरीन एनिमल्स इन दैट एक्वेरियम। Atlantis is a fictional island mentioned in Plato's work, Timaeus and Critias. It was a negative naval power that seizes ancient Athens. Athens is youth mein jeet jata hai aur Atlantis apne deities ke favor ko kho deta hai and submerged into the Atlantic Ocean and wahi se the lost chamber ka concept liya gaya hai. यहाँ पर एक्वेरियम में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेज हैं, स्नेल्स एंड सी एनिमल्स हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे अच्छा लगा वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट। आप वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं और मरीन वर्ल्ड को एंजॉय भी कर सकते हैं। इफ़ यू नो स्विमिंग देन अंडर अ सुपर विजन ऑफ अ ट्रेनर आप उस एक्वेरियम के अंदर भी जा सकते हैं और वहाँ का वर्ल्ड एंजॉय कर सकते हैं। जो भी है हमने वहाँ पे बैठ के इस मरीन वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। फिर वहाँ से हम थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट्स जो फेमस हैं अपने नामी दामी शेफ़ के लिए उनके सामने खड़े होकर थोड़ा फ़ोटो भी खींच के आए क्योंकि हम अंदर जा नहीं पाए। जो भी है हमें मेरा ये जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगा। अटलांटिस सच्ची में एक याद रखने वाली जगह है। आप जब भी जाएं वहाँ पूरे तरह अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। बाय बाय।